हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और स्टाइलिश एथनिक कुर्ता पैजामा सेट। फेस्टिव सीजन हो या कोई खास मौका, ये एथनिक आउटफिट आपको एक परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक देगा। तो आज हम इसके फैब्रिक, डिजाइन और कम्फर्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और जानेंगे कि यह एथनिक सेट आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। और ये सारे कुर्ता पैजामा सेट्स बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स के हैं और सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल आपके बजट में भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यह है हमारा आज का फर्स्ट कुर्ता जो कि रेड कलर में है और ये हाउस ऑफ पटौदी ब्रांड का है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यह कुर्ता देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, साथ ही में एलिगेंट सा लुक भी दे रहा है। यह कुर्ता मेंडेरियन कॉलर के साथ आता है। इसके चेस्ट पे भी आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाएगा और आप देख सकते हो कि इसके बटन भी काफी प्रीमियम क्वालिटी के यूज किए गए हैं। और बात करें इसके कलर की, इसका कलर बहुत ही अच्छा है। आप जब भी इसे वियर करोगे तो बहुत ही शानदार सा लुक देगा। इस पूरे कुर्ता में आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने को मिल और साथ ही में आपको सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। और यह डिजाइन पूरे ऑल ओवर कुर्ता में है जो कि इस कुर्ते को बहुत ही शानदार बना रहा है। और यह जो डिजाइन है वो आपको फ्रंट से भी मिलेगा और बैक साइड से भी मिल जाएगा। इस कुर्ते में आपको डबल पॉकेट भी मिल जाएगा, आप अपने कुछ जरूरी सामान भी इसमें कैरी कर सकते हैं। तो इस कुर्ता में आपको रेगुलर स्लीव्स देखने को मिल जाता है। और बात करें इसकी स्टिचिंग की, तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है और साथ में इसमें जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो भी परफेक्ट तरीके से किया गया है। और बात करें इसके फैब्रिक की, तो यह विस्कस रेयॉन फैब्रिक से बना हुआ है और इसका जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए इसको वियर करते हैं और देखते हैं कि ये पहनने के बाद सच में कंफर्टेबल है या नहीं और ये हमारे ऊपर कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि यह कुर्ता भी वियर करने के बाद कितना अच्छा लुक दे रहा है और इसकी जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। और बात करें इसकी डिजाइन पैटर्न की, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके थ्रेड वर्क में जो सीक्वेंस लगे हुए हैं वो भी काफी अच्छा लुक दे रहा है और इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है और इसके कपड़ा भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यह कुर्ता सेट भी बिल्कुल बेस्ट है किसी भी पार्टी के लिए, फेस्टिव सीजन के लिए या वेडिंग के लिए। ओवरऑल यह कुर्ता बहुत ही अच्छा है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इस कुर्ते में आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको जो कलर पसंद हो आप परचेज कर सकते हैं। और बात करें इसके साइज की, तो मैंने इसे एम साइज में परचेज किया है और आपको इसके अदर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसको मैंने मिंत्रा से परचेज किया है, इसका प्राइस मुझे मात्र 900 रुपीज पड़ा है जो कि कुर्ते के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। यह कुर्ता सिंगल सेट में था, इसके लिए मैंने पैजामा अलग से परचेज किया है। तो यह रहा पैजामा जो कि व्हाइट कलर का है और इसी डिजाइन ब्रांड का है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इस पैजामे के वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाएगा जो कि पहनने में काफी कंफर्टेबल होने वाला है। और बात करें इसके फैब्रिक की, तो 100% कॉटन से बना हुआ है, तो आप किसी भी वेदर में इसे आराम से वियर कर सकते हो। इस पैजामा में भी आपको डबल पॉकेट देखने को मिल जाता है और यह पैजामा ट्राउजर डिजाइन में आता है। जब आप इसे वियर करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा लुक देने वाला है। इस पैजामा को मैंने मिंत्रा से परचेज किया है और इसका प्राइस मुझे ओनली 300 रुपीज पड़ा है। यह है हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट जो कि पर्पल कलर में है और ये एनोक ब्रांड का है जो कि मिंत्रा की अपनी ब्रांड है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यह कुर्ता देखने में काफी प्रीमियम सा लग रहा है और इसका कलर बहुत ही बेहतरीन है। इस कुर्ता में भी आपको मेंडेरियन कॉलर देखने को मिल जाता है। इसके चेस्ट में आपको इस तरह का डबल लेयर का डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि इसके बटन को हाइड कर देता है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया गया है। इस पूरे कुर्ते में भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने को मिल जाता है और साथ ही में इसमें भी आपको सीक्वेंस वर्क देखने को मिलेगा जो कि कुर्ते के लुक को नेक्स्ट लेवल का बना देता है। और जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया गया है वो काफी बैठा हुआ वर्क है, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें इसे स्लीव्स की, तो इसमें भी आपको रेगुलर स्लीव्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी आपको डबल पॉकेट देखने को मिल जाएगा। और यह कुर्ता प्योर कॉटन से बना हुआ है और जब भी आप इसे वियर करोगे तो आपके बॉडी में बहुत ही हल्का सा फील होगा और ऐसा फील होगा कि आपने कुछ हल्का सा या लाइट वेट वियर किया है। और बात करें इसे स्टिचिंग की, तो इसकी भी स्टिचिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यह रहा कुर्ता का फ्रंट लुक और यह रहा कुर्ता का बैक लुक। तो इस कुर्ता के साथ आपको पैजामा भी मिल जाएगा। तो यह रहा पैजामा जो कि व्हाइट कलर का है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसके भी वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाता है और यह पैजामा भी 100% कॉटन से बना हुआ है। तो जब भी आप इसे वियर करोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और यह पैजामा भी आपको ट्राउजर डिजाइन में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको वियर करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस कुर्ते को मैंने वियर किया है और इसका जो कलर है बहुत ही शानदार कलर है जो कि काफी यूनिक सा लुक आपको दे रहा है। और बात करें इसकी कढ़ाई की, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कढ़ाई किया गया है। और बात करें सीक्वेंस की, सीक्वेंस का लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। और बात करें इसकी फिटिंग की, तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग है और बहुत ही कंफर्टेबल है वियर करने में। और बात करें इसे पैजामा की, तो इसकी पैजामे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और इस कुर्ते पैजामा का सेट देखने में बहुत ही एलिगेंट सा लुक दे रहा है। और अगर आप एक बेहतरीन एथनिक वियर ढूंढ रहे हो तो यह कुर्ता पैजामा सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होने वाला है। तो यह कुर्ता सेट पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया है। इसके
इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और साथ में जो एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है। इस कुर्ता सेट में भी आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस या साइज ऑप्शंस मिल जाता है। इस कुर्ता सेट को मैंने मिंत्रा से परचेज किया है और इसकी प्राइस मुझे मात्र 1100 रुपीज पड़ा है। पैसे के हिसाब से मुझे यह कुर्ता सेट वैल्यू फॉर मनी लगा है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट कुर्ता जो कि मैरून कलर में है और ये भी हाउस ऑफ पटौदी ब्रांड का है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इस कुर्ते में भी आपको मैंडेरियन कॉलर देखने को मिलेंगे, इसके चेस्ट पे भी आपको डिजाइन पैटर्न देखने को मिलेगा और साथ में बटन्स भी बहुत ही अच्छे यूज किए गए हैं। सिंपली यह कुर्ता बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहा है और इसका जो कलर है वो भी बेहतरीन है। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे कुर्ते में भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन जो इसका वर्क है वो काफी डार्क कलर से किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस कुर्ते में भी आपको सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे जो कि एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन के साथ काफी अच्छा मैच हो रहा है। आपको इसके कॉलर पे भी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने को मिल जाता है और बात करें इसकी फैब्रिक की तो ये भी विस्कस रेयॉन से बनी हुई है। इसमें भी आपको रेगुलर स्लीव्स देखने को मिल जाएगा और बात करें इसके वर्क की डिटेलिंग की तो इसकी वर्क की जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छे तरीके से किया गया है, एक भी थ्रेड आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा कुर्ते का फ्रंट लुक और ये रहा कुर्ते का बैक लुक। दोनों साइड से यह कुर्ता काम से भरा हुआ है और इसका जो सीक्वेंस वर्क है वो भी इसके लुक को बहुत ही इलिगेंट बना रहा है। तो चलिए इसको वियर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लुक दे रहा है और ये पहनने के बाद कंफर्टेबल है भी या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कुर्ता मैंने वियर किया है वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत कंफर्टेबल भी है और इसमें जो सीक्वेंस दी गई है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बात करें इसकी फिटिंग की तो इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है, तो आप देख सकते हो कि सभी जगह से ये कुर्ता परफेक्ट लग रहा है। और बात करें इसके पैजामा की तो इसका पैजामा भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये बहुत ही कंफर्टेबल भी है। तो ये कुर्ता पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आप इसे वियर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा और आप भीड़ में बिल्कुल यूनिक दिखोगे। यह कुर्ता सिंगल सेट में है, इसके लिए मैंने पैजामा अलग से परचेज किया है, तो इसके बारे में मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इस कुर्ता में भी आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और डिफरेंट साइज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो इस कुर्ता को भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया है जिसका प्राइस मुझे 900 रुपीज पड़ा है। तो ये था मेरा आज का कुर्ता सेट्स का कलेक्शन। सभी कुर्ता बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के हैं और बात करें इनकी फैब्रिक क्वालिटी की, इनकी सारे की फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो इन सभी कुर्ते में एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया गया है और जो सीक्वेंस दी गई है उसके वजह से ये सारे कुर्ते की लुक बहुत ही टॉप नॉच लग रही है। तो आप इन सभी कुर्ता को फेस्टिव सीजन में वियर करो या शादी में वियर करो या कोई भी खास मौके पे वियर करो, ये सभी जगह आपको बहुत ही परफेक्ट लुक देने वाला है। तो आप इन सारे कुर्ते को मशीन वॉश या हैंड वॉश दोनों तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपके लिए एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेकर आया जाए जिससे कि आपका समय भी बचे और आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके बजट के अंदर मिल सके। तो आपको इन सभी कुर्ता सेट्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इन सभी कुर्ता का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।